नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कि धारा 80 के अंतर्गत मास्टर प्लान क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है। अर्थात अगर आपने किसी जमीन का धारा 80 के अंतर्गत जमीन को आकर्षक करा दिया है तब भी उस पर आवासीय भवन या किसी तरह का भवन नहीं बनाया जा सकता है। मतलब मास्टर प्लान क्षेत्र के अंतर्गत धारा 80 का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं इसके उल्टे ये बात बताने वाला हूं आपको कि प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर नक्शा पास कराने के लिए धारा 80 ही आवश्यक है। बिना धारा 80 के अंतर्गत आकर्षक कराए हुए किसी भी जमीन का मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता है या वहां पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में इस राज को खोलूंगा कि वो कौन से स्थान है, कौन से स्थल है जहां पर धारा 80 के अंतर्गत भूमि को आकर्षक कराना आवश्यक है, तभी आप कोई निर्माण कर सकते हैं या तभी आपके बिल्डिंग का नक्शा पास होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का टाइटल था धारा 80 क्या है, मास्टर प्लान क्षेत्र में आकर्षक जमीन को आवासीय कॉलोनी में बदला जा सकता है। और उसके थंबनेल में लिखा हुआ था धारा 80 के अंतर्गत SDM कोर्ट से क्या आदेश होता है। इस वीडियो को जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा कि इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो प्लानिंग एरियाज हैं, प्लानिंग एरियाज वो होती है जहां पर महायोजना लागू होती है। जैसे लखनऊ है तो लखनऊ का 2031 तक का मास्टर प्लान है। इसी तरह प्रदेश में जहां जहां विकास प्राधिकरण है या औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जहां पर मास्टर प्लान बने हुए हैं, प्रभावी हैं, उन क्षेत्रों में अगर आप किसी जमीन का, किसी भूमि का जो आपके स्वामित्व की है, धारा 80 के अंतर्गत जिसको पहले धारा 143 कहा जाता था, किसी भूमि को SDM के यहाँ से या राजस्व विभाग से आकर्षक घोषित करा लेते हैं तब भी उस आकर्षक घोषित कराने का कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि इन क्षेत्रों में, महायोजना क्षेत्रों में, प्लानिंग एरिया में जहां पर महायोजना प्रभावी है, उन क्षेत्रों में केवल मास्टर प्लान में जो लैंड यूज दर्शित है वही लैंड यूज प्रभावी होता है और उसी के अनुसार आपके जमीन पर किसी भवन बनाने की अनुमति दी जा सकती है या कोई भी निर्माण का मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है। ये कहाँ की बात है, ये मास्टर प्लान क्षेत्र के अंतर्गत की बात है, प्लानिंग एरिया जिनको कहते हैं, सिर्फ उतने की बात है। अब आज इसके इतर हम बात करेंगे प्रदेश के उन क्षेत्रों की जहां पर धारा 80 के अंतर्गत भूमि को आकर्षक कराना अनिवार्य है। बिना भूमि के आकर्षक कराए आप कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं या आपका किसी भी भवन का नक्शा पास नहीं हो सकता है। तो वो कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के क्षेत्रों में अगर आप कोई नक्शा पास कराना चाहते हैं तो आपको भूमि को सबसे पहले आकर्षक कराना आवश्यक है धारा 80 के अंतर्गत SDM कोर्ट से। आकर्षक हो जाने के बाद ही जिला पंचायत के क्षेत्रों में आपके लिए किसी भी जमीन का नक्शा पास कराना या कोई भी निर्माण करना संभव हो पाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जिला पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, किसको हम जिला पंचायत के अंदर आने वाले क्षेत्र के रूप में मानते हैं जहां पर की मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है या इनको ग्राम क्षेत्र से परिभाषित किया गया है जिला पंचायत के मॉडल बायलॉज में या मानक भवन उपविधि में। जिनको ग्राम क्षेत्र से परिभाषित किया गया है उस ग्राम क्षेत्र में ही आप धारा 80 के अंतर्गत भूमि को आकर्षक करा के निर्माण कर सकते हैं, तभी आपका जिला पंचायत से नक्शा पास होगा, इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता। अब बात करेंगे कि ग्राम क्षेत्र की परिभाषा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। दोस्तों प्रदेश में जितने भी जिले हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर, क्योंकि वहां पर जिला पंचायत गठन नहीं किया गया है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास हो गया है और ईडा का विकास हो गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में जिला पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 239 के अंतर्गत भवनों के मानचित्र स्वीकृत किए जाते हैं ग्राम क्षेत्रों में। ग्राम क्षेत्रों की परिभाषा इस तरह है कि जो भी जिला है जिला पंचायत के अंतर्गत
जो भी भूमि है किसी भी जिले को ले लें, आप लखनऊ जिले को ले लें, कानपुर नगर जिले को ले लें, कानपुर ग्रामीण जिले को ले लें, या प्रदेश के किसी भी अन्य जिले को ले लें, तो वहां के नक्शे उस जिले के अपर मुख्य अधिकारी जो होते हैं जिले के, उनके द्वारा मानचित्र स्वीकृत किए जाते हैं। तो ग्राम क्षेत्र में वो भूमि आती है जो उस जिले के अंतर्गत स्थित है, किंतु किसी भी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त हो, मतलब जहां पर नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी और नगर निगम का क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त अगर उस जिले में कोई विकास प्राधिकरण है, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा गठित कोई विकास प्राधिकरण है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, या रेगुलेटेड एरिया है, उस एरिया में भी जिला पंचायत प्रभावी नहीं है। और इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के अंतर्गत अगर कोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित है, जैसे कि पहले लखनऊ में लीडा था, हालांकि अब लीडा से सारी भूमि ट्रांसफर हो गई है यूपी सीडा को, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को, तो जो भी यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत गठित जितने भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण है या हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत गठित जितने भी विकास प्राधिकरण है, अगर किसी जिले की सीमा में इनकी भूमि आती है, ये विकास प्राधिकरण या औद्योगिक विकास प्राधिकरण या नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद, नगर निगम, इन क्षेत्रों को हटाते हुए जो भी बची हुई भूमि है, जो भी बचा हुआ क्षेत्र है, वो सारा क्षेत्र नगर पंचायत के अंतर्गत आता है और वहां पर कोई भी नक्शा पास कराने के लिए नगर पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी और वहां के इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से मानचित्र जारी होता है और अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृत किया जाता है। और इस क्षेत्र में आपको अगर कोई नक्शा पास कराना है तो यहाँ पर आपको राजस्व विभाग से, एसडीएम कोर्ट से अपनी भूमि का धारा 80 के अंतर्गत, जिसे पहले धारा 143 कहा जाता था, उसके अंतर्गत अपनी भूमि को आकर्षक कराना अनिवार्य है। बिना आकर्षक घोषित कराए आपकी भूमि पर जिला पंचायत क्षेत्र में, जिला पंचायत के ग्राम क्षेत्र में जो प्रभाषित है, अभी हमने बताया था, उस क्षेत्र में कोई भी मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आपको मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, मानचित्र स्वीकृत कराने से आपको छूट मिली हुई है। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप लोग ज्यादा कमेंट्स करेंगे, मैं देखूंगा, तो जिला पंचायत के पूरे बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर मैं एक सीरीज बना दूंगा, पूरे जिला पंचायत के, प्रदेश में जितने भी जिला पंचायत हैं उनके अंतर्गत मानचित्र स्वीकृत करने की क्या प्रक्रिया है और वहां के लिए क्या बिल्डिंग बायलॉज अडॉप्ट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस पूरे जिला पंचायत के मानक भवन उपविधि की मैं पूरी सीरीज बना दूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं सीरीज बनाऊंगा, अन्यथा मुझे लगेगा कि आपको इस बिल्डिंग बायलॉज को जानने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों।